श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारिणे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता तो है ही, स्तोत्र है वैसे तो। इसमें वेदांत की हर तत्व है और सन्यास जीवन की आदर्श भी इसमें है। ये हमको याद है जब मैं पहले पहले देवघर में ब्रह्मचारी बना था, उससे पहले जब सब छोड़ के आया था, तब हमारे जो दोस्त थे वो जब पूछते थे कि यार आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, क्यों तुम सन्यासी बनना चाहते हो, इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, क्या आदर्श है, तुम किस लिए जा रहे हो, तो इतना व्याख्यान तो मैं नहीं देना नहीं चाहता था, तो इसीलिए मैं उनको ये भेज देता था, सॉन्ग ऑफ सन्यासी, सन्यासी गीत, तुम ये पढ़ लो तो तुमको पता चल जाएगा कि मैं क्या चाहता हूं अपने जीवन में। तो ये हमारा आदर्श है। तो इसका स्वामी जी इसको लिखे थे, स्वामी विवेकानंद, यहाँ से न्यूयॉर्क से उत्तर दिशा में है, थाउजेंड आइलैंड पार्क। तो यहाँ क्या होता है, तब के दिनों में स्वामी विवेकानंद यहाँ पर थे न्यूयॉर्क में, शिकागो के बाद वो आए थे न्यूयॉर्क। यहाँ कुछ अमेरिकन जो उनके भक्त थे वो उनके उनको उनको योग सिखाने के लिए वो स्वामी विवेकानंद को यहाँ पर आमंत्रित किए थे। तो उसी से शुरू हुआ ये वेदांत सोसाइटी जहाँ पर अब आज हम बैठे हुए हैं। ये बिल्डिंग तो तब ये बाद में आई, लेकिन वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में तब शुरू हुआ था 1894 में। अब 1895 में क्या हुआ कि ये समर में, मतलब ग्रीष्म काल में, जून जुला जुलाई अगस्त ये समय में यहाँ काफी गर्मी पड़ती है। काफी गर्मी मतलब इंडिया जैसा तो नहीं, लेकिन इन लोगों को यहाँ बहुत गर्मी लगती है, तो इसीलिए वो यहाँ से भागते हैं। आजकल भी, आज भी भागते हैं, तब के दिनों में भी भागते थे, आज भी यहाँ शहर छोड़ के भागते हैं कहीं थोड़ा सा ठंडा मिल जाए। तो यहाँ से उत्तर इसी प्रदेश में, यानी न्यूयॉर्क सिटी भी है और न्यूयॉर्क का स्टेट का नाम भी न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क स्टेट में उत्तर दिशा में कैनेडियन बॉर्डर है। तो कैनेडियन बॉर्डर, वहाँ एक बहुत बड़ी नदी है, सेंट लॉरेंस रिवर। तो सेंट लॉरेंस रिवर पर कई कई द्वीप हैं, इसीलिए उसका नाम हुआ है थाउजेंड आइलैंड्स। हजार से भी ज्यादा द्वीप है उसमें, छोटे छोटे द्वीप हैं। तो ये उसमें एक बड़ा सा आइलैंड है जहां पर स्वामी विवेकानंद गए थे कुछ भक्तों के साथ, तो उस समर में 1895 का समर में, तो वो वहां क्लास करते थे। कुछ बहुत अनमोल प्रवचन उनका वहां पर हुआ था, जिसके आधार पर ये इंस्पायर्ड टॉक्स बंगला में तो अनुवाद हुआ है देववाणी, हिंदी में भी शायद देववाणी होगा। तो वहाँ वो ठहरे थे करीब 6 हफ्ता। तो वहाँ एक सेंटर भी है अभी, वो जिस घर में वो ठहरे हुए थे वो घर अभी तक है, और वो हमारा यहाँ दूसरा सेंटर है न्यूयॉर्क में, रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर जो है, उस उनके उनका प्रॉपर्टी है, वो उनका देखभाल करते हैं उस घर का। तो वो जगह बहुत ठंडी होती है, ग्रीष्म काल में बहुत सुंदर है, तो वहाँ खुलता है, बहुत लोग जाते हैं उधर, और बाकी समय तो बर्फ में ढका रहता है, तो वहाँ रहना मुश्किल होता है। 3 4 साल पहले मैं वहाँ गया था, और ये दृश्य है अभी इसका, ये कवर पर जो छवि आप दिख रही है यही घर है। तो इसमें ऊपर डाइनिंग के कमरे में स्वामी विवेकानंद ठहरे हुए थे, अभी वो ध्यान कक्ष बन गया है उधर। बहुत सुंदर जगह है और बहुत उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत ही गहन आध्यात्मिक एक वाइब्रेशन है उधर। तो वहां पर एक दिन स्वामी विवेकानंद इस कविता की रचना की थी, सॉन्ग ऑफ सन्यासी, ओरिजिनल अंग्रेजी में है, तो जो हिंदी अनुवाद हम सुन रहे थे बहुत ही सुंदर अनुवाद है। एक अनुवाद कौन किए थे पता है आपको, दिनकर जी किए थे या पता नहीं और कौन किए थे, लेकिन जो भी किया है बहुत ही सुंदर अनुवाद किया हुआ है। और जो आवृत्ति हम लोग ने सुना, मैं तो अभी पहले इतना सुंदर आवृत्ति कभी सुना ही नहीं था, जो दीपक पुरोहित जी ने किया अभी, बहुत अच्छा लगा। तो स्वामी विवेकानंद वहां पर इसको ही कंपोज दिस थाउजेंड आइलैंड पार्क में, और बाद में उसको दूसरे पेज पर कॉपी करके उसको भेज दिया गया था, बाद में पब्लिश भी हो गई। अब मजेदार बात यह है कि उससे करीब
50-60 साल बाद एक प्रस्ताव आया सेंटर के जो अध्यक्ष थे स्वामी निखिलानंद जी के पास, कि वो घर बिक रहा है जहाँ स्वामी विवेकानंद ठहरे थे, वो अभी खंडहर जैसा हो गया, उसको बिक रहा है, वो तो सब तोड़ देंगे उसको, वो सब काठ का बना हुआ है, उस काठ को बेच देंगे, लकड़ी को बेच देंगे जलावनी के यूज के लिए। तो महाराज बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके वो घर खरीद लिए, करीब तब के दिनों में $1,000 या $2,000 कुछ भी नहीं था, कुछ भी बहुत ही कम मूल्य में खरीद लिए, और फिर उसी को जैसे था पहले उसका रूप जब स्वामी विवेकानंद ठहरे थे, उसको रेस्टोरेशन किया, अभी बहुत सुंदर परिस्थिति है। तो जब काम चल रहा था आज से 60 साल पहले, 60-65 साल पहले, उसको रिपेयर मेंटेनेंस के काम चल रहा था वहां पर, तो जो वर्कमैन थे वहां कूड़े से एक मैनुस्क्रिप्ट मिला, कुछ दस्तावेज जो सॉन्ग ऑफ सन्यासीन का ओरिजिनल जो मैनुस्क्रिप्ट था स्वामी विवेकानंद का अपना हैंडराइटिंग में, तो उसको बाद में कॉपी करके पब्लिकेशन के लिए भेज दिया, लेकिन जो ओरिजिनल था जो स्वामी विवेकानंद खुद लिखे थे वो वहां पर पड़ा हुआ था, इतना 60 साल तक वहीं पर पड़ा हुआ था। तो वो उसको वो मिल गया, शायद अभी बेलूर मठ के आर्काइव में है शायद, हमको जो लगता है, नहीं तो यहाँ पर विवेकानंद केंद्र जो रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर है उसके आर्काइव में होगा। तो ये कहानी है सॉन्ग ऑफ सन्यासीन का। ओम सन्यासी का गीत। छेड़ो हे वह गान अनंतोद्भव अबंध वह गान, विश्वताप से शून्य गह्वरों में गिर के अम्लान। छेड़ो हे वह गान अनंतोद्भव अबंध वह गान, विश्वताप से शून्य गह्वरों में गिर के अम्लान। निभृत अरण्य प्रदेशों में जिसका शुचि जन्म स्थान, जिनकी शांति न कनक काम यश लिप्सा का निश्वास, भंग कर सका जहां प्रवाहित सच्चित की अभिलाष। स्रोतस्विनी उमड़ता जिसमें वह आनंद अयास। गाओ बड़ वह गान वीर सन्यासी गूंजे व्योम। ओम तत्सत ओम, ओम तत्सत ओम, ओम तत्सत ओम। तोड़ो सब श्रृंखला उन्हें निज जीवन बंधन जान। हो उज्जवल कांचन के अथवा क्षुद्र धातु के म्लान, प्रेम घृणा सद असद सभी ये द्वंद्वों के संघान। दास सदा ही दास समादृत वाताड़ित परतंत्र, स्वर्ग निगड़ होने से क्या वे सुदृढ़ न बंधन यंत्र। अतः उन्हें सन्यासी तोड़ो, अतः उन्हें सन्यासी तोड़ो, छिन्न करो गायह मंत्र। ओम तत्सत ओम, 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 ओम तत्सत ओम। अंधकार हो दूर, ज्योति छल जल बुझ बारंबार, दृष्टि भ्रमित करता तह पर तह मोह तमस विस्तार। मिटे अजस्र तृषा जीवन की जो आवागम द्वार, जन्म मृत्यु के बीच खींचती आत्मा को अनजान। विश्व विजय वह आत्मजयी जो मानो इसे प्रमाण। अविचल अतः रहो सन्यासी, अविचल अतः रहो सन्यासी, गाओ निर्भय गान। ओम तत्सत ओम, 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 ओम तत्सत।
भोगे पाओगे निश्चित कार्य कारण विधान। कहते शुभ का शुभ हो अशुभ अशुभ का फल धीमान। दुर्निवार यह निवन जीव के नाम रूप परिधान। बंधन है सच है पर दोनों नाम रूप के पार। नित्य मुक्त आत्मा करती है बंधनहीन विहार। तुम वह आत्मा हो सन्यासी, तुम वह आत्मा हो सन्यासी, बोलो वीर उदार। ओम तत्सत ओम, 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 ओम तत्सत ओम। ज्ञान शून्य है जिन्हें सूझते स्वप्न सदा निसार। माता पिता पुत्र और भार्या बांधव जन परिवार। लिंग मुक्त है आत्मा किसका पिता पुत्र यादार। किसका शत्रु मित्र वह जो है एक अभिन्न अनन्य। उसी सर्वगत आत्मा का अस्तित्व नहीं है अन्य। कहो तत्त्वमसि सन्यासी, कहो तत्त्वमसि सन्यासी, गाओ हे जग हो धन्य। ओम तत्सत ओम, 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 ओम तत्सत ओम। एकमात्र है केवल आत्मा ज्ञाता चिर निर्मुक्त। नाम हीन वह रूप हीन है, वह है चिन्ह अयुक्त। उसके आश्रित माया रचती स्वप्नों का भवपाश। साक्षी वह जो पुरुष प्रकृति में पाता नित्य प्रकाश। तुम वह हो बोलो सन्यासी, तुम वह हो बोलो सन्यासी, छिन्न करो तम तो। ओम तत्सत ओम, 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 ओम तत्सत ओम। कहाँ खोजते उसे सखे इस ओर किया उस पार। मुक्ति नहीं है यहाँ वृथा सब शास्त्र देव ग्रह द्वार। व्यर्थ यत्न सब तुम ही हाथ में पकड़े हो वह पाश। खींच रहा जो साथ तुम्हें तो उठो बनो न हताश। छोड़ो कर से दाम कहो, छोड़ो कर से दाम कहो, सन्यासी विह से रो। ओम तत्सत ओम, 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 ओम तत्सत ओम। कहो शांत हो सर्व शांत हो सचराचर अविराम। क्षति न उन्हें हो मुझसे, मैं ही सब भूतों का ग्राम। ऊंच नीच द्यो मर्त विहारी सबका आत्मा राम। त्याज लोक पर लोक मुझे जीवन तृष्णा भव बंध। स्वर्ग मही पाताल सभी आशा भय सुख दुख द्वंद्व।
इस प्रकार काटो बंधन सन्यासी रहो अबंध, इस प्रकार काटो बंधन सन्यासी रहो अबंध। ओम तत्सत ओम, 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 ओम तत्सत ओम। देह रहे जाए मत सोचो तन का चिंता भार, उसका कार्य समाप्त ले चले उसे कर्म गति धार। हार उसे पहनावे कोई करे कि पाद प्रहार, मौन रहो क्या रहा कहो निंदा या स्तुति अभिषेक। स्तावक स्तुत्य निद्य और निंदक जबकि सभी है एक, अतः रहो तुम शांत वीर सन्यासी तजो नटेक। ओम तत्सत ओम, 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 ओम तत्सत ओम। सत्य न आता पास जहां यश लोभ काम का वास, पूर्ण नहीं वह स्त्री में जिसको होती पत्नी भास, अथवा वह जो किंचित भी संचित रखता निज पास, वह भी पार नहीं कर पाता है माया का द्वार। क्रोध ग्रस्त जो अतः छोड़कर निखिल वासना भार, गाओ धीर वीर सन्यासी, गाओ धीर वीर सन्यासी, गूंजे मंत्रोच्चार। ओम तत्सत ओम, 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 ओम तत्सत ओम। मत जोड़ो ग्रह द्वार समा तुम को सको कहां आवास, दुर्वादल हो तल्प तुम्हारा ग्रह वितान आकाश। खाद्य स्वतः जो प्राप्त पक्व वा इतर न दो तुम ध्यान, खान पान से कलुषित होती आत्मा वह न महान। जो प्रबुद्ध हो तुम प्रवाहिनी स्रोतस्विनी समान, रहो मुक्त निर्द्वंद्व, रहो मुक्त निर्द्वंद्व वीर सन्यासी छेड़ो तान। ओम तत्सत ओम, 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 ओम तत्सत ओम। विरले ही तत्वज्ञ करेंगे शेष अखिल उपहास, निंदा भी नर श्रेष्ठ ध्यान मत दो निर्बंध अयास। यत्र तत्र निर्भय विचरो तुम खोलो माया पाश, अंधकार पीड़ित जीवों के दुख से बनो न भीत। सुख की भी परवाह मत करो जाओ रहो अतीत, द्वंद्वों से सब रटो वीर, द्वंद्वों से सब रटो वीर सन्यासी मंत्र पुनीत। ओम तत्सत ओम, 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 ओम तत्सत ओम,
ओम तत्सत ओम ओम तत्सत ओम। इस प्रकार दिन प्रतिदिन जब तक कर्म शक्ति हो क्षीण, बंधन मुक्त करो आत्मा को जन्म मरण हो लीन। फिर न रह गए मैं तुम ईश्वर जीव किया भव बंध, मैं सब में मुझ में सब है केवल है परम आनंद। कहो तत्त्वमसि सन्यासी, कहो तत्त्वमसि सन्यासी, फिर गाओ गीत अमंद। ओम तत्सत ओम 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 ओम तत्सत ओम। छेड़ो हे वह गान अनंतोद्भव अबंध वह गान, विश्व ताप से शून्य गह्वरों में गिर के अम्लान। निभृत अरण्य प्रदेशों में जिसका शुचि जन्म स्थान, जिनकी शांति न तनक काम यश लिप्सा का निश्वास। भंग कर सका जहां प्रवाहित सच्चित की अविलास, स्रोतस्विनी उमड़ता जिसमें वह आनंद आयास। गाओ बड़ वह गान वीर सन्यासी गूंजे व्योम। ओम तत्सत ओम 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 ओम तत्सत ओम। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत ओम।